और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं झारखंड के सीएम इंडिया को 295 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। आप लोग मीडिया वाले अभी कह रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे हैं, तो हम तो 400 तो पार हो ही रहे हैं। देखिए, हम लोग का कल बैठक भी हुआ है, हर स्टेट से आकलन हम लोग किया है, तो 95 से ज्यादा इंडिया गठबंधन जीत रही है। ये एग्जिट पोल से कोई सच्चाई नहीं है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होनी है, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसको लेकर अपनी खास तैयारी करके रखी है। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। सातों चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है, ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है, तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है, किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है, उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं। फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है।